हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म के नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में, जहां पे हमें एक्स ऑफ जेड साइन वन अपॉन जेड गिवन है और हमसे वैल्यू पूछी गई है एक्स ऑफ वन प्लस एक्स ऑफ थ्री की वैल्यू क्या होगी टाइम डोमेन में। तो हमें जेड ट्रांसफॉर्म दे रखा है, टाइम डोमेन में एक्स ऑफ वन प्लस एक्स ऑफ थ्री की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना है, हमें साइन, एक चीज़ पढ़ी थी हमने, हमें क्या याद है, साइन एक्स का एक्सपेंशन याद है। हम क्या होता है साइन एक्स का एक्सपेंशन, एक्स माइनस एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल, अल्टरनेट चलता है नेगेटिव साइन, नेगेटिव पॉजिटिव अगला नेगेटिव होगा, जितनी पावर उतना नीचे फैक्टोरियल, अगला प्लस होगा इस टाइप से एंड सो ऑन। यहाँ तक बात पहुँची तो यहाँ पे देखो ये एक बिल्कुल लगभग हम एक जैसा ही दिख रहा, यहाँ पे एक्स की जगह कितना केवल वन अपॉन जेड है। अगर ये वन अपॉन जेड है मैं इसमें रख सकता हूँ इस वैल्यू को, या साइन वन अपॉन जेड है इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या लिख ले रहा हूँ साइन, इसको लिख लो थोड़ी देर के लिए साइन, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको साइन जेड इनवर्स लिख लो, लिख सकते हैं वन अपॉन जेड को जेड इनवर्स। तो यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई जेड इनवर्स, तो मैं इधर लिख दे, यहाँ पे कर देता हूँ रिप्लेस एक्स बाय माइनस जेड इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो रखूँगा दोनों तरफ किस टाइप का बन जाएगा ये साइन जेड इनवर्स, तो यहाँ पे तो बन गया जेड इनवर्स माइनस जेड इनवर्स की पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा जेड इनवर्स की पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा जेड इनवर्स की पावर सेवन अपॉन सेवन फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसे चलते चलाए कहानी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो ये साइन जेड इनवर्स या साइन जो भी लिखना, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा जेड इनवर्स माइनस जेड इनवर्स की मल्टीप्लाई तीन से हो जाएगी, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो हम दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो पावर माइनस वन की और तीन की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसे यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा जेड की पावर माइनस तीन अपॉन तीन फैक्टोरियल, ऐसे यहाँ पर हो जाएगी माइनस वन की और फाइव की, जेड की पावर माइनस फाइव हो जाएगा नीचे फाइव फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो जाएगा जेड की पावर माइनस सेवन अपॉन सेवन फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, इसका हम लाप इसका सॉरी इसका जेड इनवर्स ले सकते हैं राइट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का हमें जेड इनवर्स लेना था, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये एक्स ऑफ जेड के इक्वल था, ठीक है, ये चीज़ क्या थी एक्स ऑफ जेड। अब मैं क्या करता हूँ ये इसकी जो राइट हैंड साइड है उसका ले लेता हूँ, तो एक थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे समझ लो एक्स ऑफ जेड हमें कितना मिला है, ये मिला है, तो मुझे एक्स ऑफ एन लिखना है, तो मैं क्या लिखूँगा केवल इसका इसका लिख दूंगा जेड इनवर्स, इसका जेड इनवर्स लिखना बहुत आसान है, जेड की पावर माइनस वन जेड की पावर माइनस थ्री, एक प्रॉपर्टी पढ़ी एक फॉर्मूला हमें याद है डेल्टा एन माइनस के का जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है वो कितना होता है जेड की पावर माइनस के होता है, ये होता है बिल्कुल। अब के की जगह मैं वन लगाऊंगा तो जेड की पावर माइनस वन मिल जाएगा यार, जेड की पावर माइनस वन यानी इसका जेड इनवर्स कितना हो गया डेल्टा एन माइनस वन, तो मैं एक्स ऑफ एन लिखता हूँ अब डायरेक्ट ऊपर से, ध्यान से लिखो एक्स ऑफ एन जो कि साइन जेड इनवर्स का जेड एक्स ऑफ एन है, तो यहाँ पे जब एन की पावर एन की जगह मैं वन लगाऊंगा तो जेड की पावर माइनस वन मिल जाएगा, इसका मतलब ये किसका जेड इनवर्स है डेल्टा एन माइनस वन का, ऐसे ही माइनस जेड की पावर माइनस तीन एन के की जगह तीन लगाऊंगा, के की जगह तीन लगाऊंगा तो जेड की पावर माइनस थ्री यानी डेल्टा डेल्टा एन माइनस थ्री का ये जेड ट्रांसफॉर्म रहा होगा, ऐसे यहाँ पे ये हो जाएगा जेड डेल्टा डेल्टा एन माइनस फाइव हो जाएगा ये अपॉन फाइव फैक्टोरियल माइनस डेल्टा
एन माइनस सेवन हो जाएगा ये नीचे सेवन फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो हमसे पहले पूछी गई है एक्स ऑफ वन प्लस एक्स ऑफ थ्री की, तो यहाँ पे एक्स ऑफ वन कितना मिल रहा, एक्स ऑफ वन मतलब यहाँ पे इस, अगर मैं इस सिग्नल को लिखूँ इसका मतलब क्या है, एन इक्स टू जीरो नहीं आ रहा तो जीरो पे वैल्यू कितनी हो गई जीरो, एन इक्स टू वन पे इसकी वैल्यू कितनी है ये डेल्टा एन माइनस वन का मतलब क्या, एन इक्स टू वन पे इम्पल्स इसके इसका मैग्नीट्यूड कितना वन, और यहाँ पे एन इक्स टू तीन पे तो दो पे तो अगेन जीरो हो गई, तीन पे ये कितनी आ रही है माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल, फोर पे अगेन जीरो, फाइव पे आ रही है कितनी वन अपॉन फाइव फैक्टोरियल एंड सिक्स पे अगेन जीरो, सेवन पे कितनी आ रही है माइनस वन अपॉन सेवन फैक्टोरियल। तो अल्टरनेट पोजिशन पर आ रही हैं जो इवन प्लेसेस पे वो चीज़ें जीरो होती जा रही हैं, तो ये हो एन इक्स टू जीरो ये आ गया, हमें क्या क्या चाहिए एन इक्स टू वन और एन इक्स टू थ्री, तो एन इक्स टू वन तो ये है और एन इक्स टू थ्री ये है, ठीक है, एन इक्स टू जीरो एन इक्स टू वन एन इक्स टू टू एन इक्स टू थ्री एंड सो ऑन। तो हमें चाहिए केवल एक्स ऑफ वन प्लस एक्स ऑफ थ्री, तो यहाँ से एक्स ऑफ वन प्लस एक्स ऑफ थ्री किसके इक्वल आ गया वन प्लस माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल के, थ्री फैक्टोरियल कितना होता है इसको सिंप्लीफाई कर लो यहाँ से, वन माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल कितना आता है कैलकुलेट करना आता ना फैक्टोरियल, कैसे करते हैं थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन यानी कितना आ गया ये सिक्स, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आएगा एक्स ऑफ वन प्लस एक्स ऑफ थ्री कितना आ जाएगा एलसीएम लेके सिक्स में से गया फाइव यानी फाइव अपॉन सिक्स, यही इसका आंसर है, यही पूछा गया था हमसे एक्स ऑफ वन प्लस एक्स ऑफ थ्री, वो किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, केवल एक्स ऑफ एन निकालना चाहिए आना चाहिए, वो एक पूछ लेगा दो पूछ लेगा दो का सम दो का प्रोडक्ट ये सब चीज़ पूछ सकता है, तो पूछे कुछ भी एक्स ऑफ एन मिल गया हमें उसके बाद हम सब कुछ निकाल सकते हैं, बस एक बार एक्स ऑफ एन फाइंड करने का तरीका समझ लो, हमने उसका सीरीज एक्सपेंशन यूज़ किया साइन का सीरीज एक्सपेंशन हमें पता था, सीरीज का एक्सपेंशन यूज़ करने पर हमने देखा टर्म जो होते हैं वो सिंपल बन गए थे, जिसका जेड इनवर्स लेना बहुत आसान बन गया था हमारे लिए, उसी से हमने एक्स ऑफ एन फाइंड कर लिया। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ समझ आई होगी, आप फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।